Hey guys, what's up? I'm Tok Credits and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप सब बढ़िया होंगे. So guys, कल रात मैं मूवी देख रहा था, Pikachu की मूवी, जो मूवी आई थी नहीं Pikachu डिटेक्टिव करके कुछ. So मैं वो मूवी देख रहा था एंड गाइज वो मूवी काफी ऑसम थी. सो मैंने सोचा क्यों ना एक Pikachu के ऊपर एक फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाया, मतलब Pikachu कॉन्सेप्ट लेते हैं. सो मैंने सोचा ठीक है बनाते हैं एंड आप सबको बताता हूँ कि कैसे एडिट करते हैं. एंड गाइज जो भी मैं इसके अंदर बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एंड गाइज ये काफी बढ़िया फोटो एडिटिंग होने वाली, काफी बॉम्ब एंड काफी क्यूट फोटो एडिटिंग होने वाली, क्योंकि यार Pikachu जो होता है काफी क्यूट होता है. एंड गाइस दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय www.zx7.com. सो गाइस zx7 आपके स्किल्स एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जॉब पाने में हेल्प करता है. एंड गाइस इसके बारे में बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे. सो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ. ओके सो गाइस सबसे पहले आपको करना है, आपको एक इस तरह की फोटो चाहिए. आप एक इस तरह की फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है. आपने दोस्त से बोल के भाई कि मेरी एक इस तरह की फोटो क्लिक कर दें एंड आपको जिस तरह का पोज मार लेना या कोई और पोज मार देता आप स्टाइल में. ओके सो इस तरह की फोटो क्लिक कराने के बाद सिंपली क्या करना, टूल में जाना, फ्रेक कोप में जाना, अपनी फोटो का जितना भी बैकग्राउंड है पूरा अच्छे से इरेज कर लेना, ठीक है. आप कोई और मेथड से भी इरेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है. सो मैं इसका पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ. सो गाइज मैंने इस फोटो का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर लिया अच्छे से. अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ड्रॉ टूल पे जाऊँगा, इस फोटो को मैं सेव कर लूँगा अपने मोबाइल में, ठीक है. आप सब लोगों को भी ये फोटो अपने मोबाइल में सेव कर लेना, मतलब मेरा फोटो नहीं यार, अपना फोटो यार, ठीक है. देन अब हमको क्या करना है, मैं भूल गया सही. सो गाइज अब हमको अगला बैकग्राउंड लेना है, ठीक है. इस बैकग्राउंड के लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लो. फुल HD बैकग्राउंड है, मतलब HD में तो है हल्का हल्का ब्लर है, क्योंकि यार हमारे कंसेप्ट ऐसा हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो इसलिए ब्लर बैकग्राउंड है. सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फोटो इरेज करी थी उस फोटो को सिंपली इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देना है. मैं ऐसे लगा दूंगा एंड थोड़ा सा नीचे कर दूंगा ऐसे सिंपली एंड यहाँ से डन कर दूंगा. ओके सो ये हमारे बैकग्राउंड के ऊपर हमारी फोटो लग चुकी है. सिंपली अब मैं क्या करूँगा, फेस स्मूथ करूंगा. इसके लिए मैं जाऊँगा ब्यूटी मोड पे, देन फेस फिक्स, यहाँ पे जाने के बाद ब्रश स्लाइड करके पूरा अपने फेस को स्मूथ कर लूंगा. सो गाइस मैंने फेस की स्किन पूरी स्मूथ कर लिया. सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऐड फोटो पे. ऐड फोटो के बाद हमको ये क्यूट सा Pikachu का PNG लगाना है, ठीक है. देन इस PNG को हमको थोड़ा सा रोटेट करना है. इसके लिए मैं ये वाला जो दिख रहा है आपको डॉट पकड़ना है एंड आपको यूं कर देना सिंपली, ठीक है. देन आपको दिख सकता है रोटेट हो गया पूरा. सो गाइस आपकी मर्जी, अगर आपको उस तरह का Pikachu लगाना है उस तरफ तो आप वैसे भी लगा सकते हो. सो मैं इस तरफ लगाऊंगा क्योंकि जो मेरा कंसेप्ट में इस तरह का ही थोड़ा सा फिट लग रहा है, ठीक है. अब लग रहा है ना सेम जैसे बैठा हो मेरे ऊपर कंधे के ऊपर. सो इसलिए मैंने कर दिया था, थोड़ा सा बड़ा कर दिया Pikachu, काफ़ी छोटा लग रहा है यार, ठीक है. सो ये हमारा Pikachu हमारे कंधे के ऊपर बैठ चुका है आराम से बिल्कुल, इसको कोई दिक्कत है नहीं. वैसे मूवी यार कमेंट करके बताओ जिसने देखी Pikachu की, मुझे काफ़ी मस्त लगी थी यार. सो अब हमें जाना है ऐड फोटो पे. ऐड फोटो के बाद जाने के बाद हमको ये बिजली के PNG लेने हैं, जो कि हमारा जो Pikachu है जब वो लाइटिंग करता है तो उसके अंदर से PNG निकलते हैं ना, लाइट निकलता है. सो हमको ये लेना है, इसको हम ऐसे लगा देंगे आधा Pikachu के ऊपर आधा अपने हल्के से बॉडी के ऊपर एंड सिंपली डन कर देंगे. ओके गाइस सो ये हमारा PNG लग चुका है. अब हम जाएंगे ऐड फोटो पे. जो Pikachu की मूवी आई थी ना जो उसका टेक्स्ट PNG है उसको लगाना है हमको, काफ़ी मस्त लगेगी उससे फोटो. इसके PNG को हम यहाँ पे लगा देंगे आराम से एंड यहाँ से डन कर देंगे. ओके गाइस सो ये आप देख सकते हो जितने भी हमारा PNG वगैरह था सब कुछ लग चुके हैं, काफ़ी मस्त फोटो लग रही है. सो अब फोटो के अंदर जो हमारा लास्ट काम होता है फोटो की रिटचिंग करना, मतलब करगेडिंग करना, उसको हम करेंगे लाइट रूम में, मतलब बोले था लाइट रूम बाबा अपने. सो ड्रॉ टूल पे जाके इस फोटो को मैं सेव कर लूँगा. जब तक आप वीडियो को लाइक करो तब आगे थोकते जाओ लाइक, जब तक मैं लाइट रूम में अपनी फोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. सो ये हमारे बाबा खुल चुके हैं लाइट रूम. ऐड फोटो पे जाना है, अपनी फोटो को ऐड कर लेना है. सो गाइस मैंने अपनी फोटो को ऐड कर लिया और हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल मस्त वाली, जैसे हमारा फोटो रियलिस्टिक लुक आएगा. तो सबसे पहले हमको जो एक्सपोजर है उसको बढ़ाना है ऐसे सिंपली एंड इसका ब्लैक कम करना है. ओके एक्सपोजर बढ़ाना, सॉरी शैडो बढ़ाना आपको, मैंने एक्सपोजर बोल दिया गलती से, तो अब तो पता चल गया होगा. तो शैडो बढ़ाना, ठीक है. देन जो ब्लैक है ब्लैक को कम करना. सो नीचे जाना नीचे वाले टूल पे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना हमको कस्टम. देन मिक्स पे जाना, सेकंड कलर सेलेक्ट करना ऑरेंज, इसकी जो ल्यूमिनस को बढ़ा देना है ऐसे सिंपली. ओके देन येलो कलर सेलेक्ट करना, इसकी ह्यू को हल्का सा ऐसे कम कर देंगे बिल्कुल 11 तक, ठीक है. एंड येलो कलर की हमको ह्यू कम कर देना है, ठीक है, ऐसे 6 तक, ठीक है. एंड सिंपली हमको यहाँ से डन कर देना है. ओके और जो टेम्परेचर है गाइस हमको टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर हमको हल्का सा कम करना है बिल्कुल, क्योंकि हमें थोड़ा इस फोटो के अंदर ब्लू टोन चाहिए,
तो टेम्परेचर को हम कम करेंगे, ये 10 तक ठीक है, 10 तक नहीं 8 तक ठीक है, ठीक है। देन हमें जाना नीचे वाले टूल पे, क्लियरिटी बढ़ाना फोटो की, ऐसे ज़्यादा मत बढ़ाना, फिर ये विग्नेट को ऐसे कम करेंगे सिंपली। ओके सो हम जाएंगे नीचे वाले टूल पे, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं, जो भी फोटो के अंदर थोड़ा शार्पनेस आ जाएगी एंड जो भी फोटो के अंदर नॉइस होगा उसको हम खत्म करने के लिए हम नॉइस रिड्यूशन को इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। ओके इतना कर देंगे 40 तक। सो गाइस हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, सो थोड़ा बहुत अभी काम और रह गया, एक्सपोजर को बढ़ाना है सबसे पहले हमको, अभी एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। देन हमें जाना है ग्रेडियंट टूल पे, ग्रेडियंट टूल में जानता हूँ गाइस आप सबके मोबाइल में नहीं आता होगा, तो लाइटरूम का जो मैं वर्जन यूज़ करता हूँ मोरेड उसमें आता है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लो। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करना, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना ग्रेडियंट, देन नीचे से ऐसे मारना, ओके इधर जाना, इसका एक्सपोजर कम कर देना है सिंपली एंड यहाँ से डन कर देना। सो गाइस आप सोच रहे होगे मैं जो ब्लैक ब्लैक नीचे मारता हूँ मैं इतना ज़्यादा क्यों मारता हूँ फोटो के अंदर, सो गाइस ये मैं इसलिए मारता हूँ फोटो के अंदर एक रियलिस्टिक लुक आता है, काफ़ी मस्त फोटो लगती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। सो आप सब भी ये यूज़ करोगे, काफ़ी मस्त ट्रिक है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। ये देखिए गाइस पिक्सआर्ट के अंदर कुछ इस तरह की फोटो थी, कंसेप्ट बढ़िया था बट कलर ग्रेडिंग नहीं होता है, कलर ग्रेडिंग के बाद फोटो में मजा नहीं आता। सो तुम्हारे भाई ने लाइटरूम बाबा में कमाल किया, देखिए काफ़ी मस्त फोटो लग रही है, इसमें जूम करके दिखाना फोटो की क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटी, हमारा पिकाज भी मस्त बैठा है बिना कोई टेंशन के, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है गाइस, 3D पे जाना, सेव टू डिवाइस, इस फोटो को हम अपने मोबाइल में HD में सेव कर लूंगा, फुल HD में सेव कर लेना, ठीक है गाइस। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड गाइस अगर आप इस तरह की फोटो एडिटिंग करते हैं एंड इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो मेरा हैशटैग जरूर यूज करना, हैशटैग तो के रेडिस, ठीक है गाइस जब भी आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं हैशटैग जरूर यूज करना, ठीक है आपको। सो मैं हर इसके लिए एक अच्छी जॉब डिजर्व करता है, लेकिन सबको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी कैसी है एंड कंपनी के अंदर कितने पोस्ट खाली है एंड कंपनी के अंदर हमको कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। सो गाइस ZS7 इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिंपली आपको करना है ZS7 को अपनी सारी डिटेल्स जो है आपकी वो आपको ZS7 को प्रोवाइड कर एंड फिर गाइस ZS7 का एक्सपर्ट है आपका प्रोफेशनल सा रिज्यूम बनाएगा और फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, लाइक सैलरी ग्रोथ इंडस्ट्री, आपको कौन सी लोकेशन पर आपको जॉब चाहिए, तो उस सबको देखते हुए फिर वो आपका रिज्यूम जो है कंपनी में सबमिट करेगा। गाइस अगर आप स्टूडेंट है तो ZS7 आपके लिए इंटर्नशिप एंड आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब ढूंढवाने में हेल्प करेगा, तो गाइस जाओ अभी जाके ZS7 ज्वाइन करो, बाकी मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके चेक करो इस साइट को और ज्यादा जानकारी के लिए ZS7 के ऑफिशियल वीडियो देखो। सो गाइस चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिंग करो मौज, लव यू ऑल, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।